मेरा नाम इमरान अनवर है और मैं मंडी फैज़ाबाद से आया हूँ और मेरा बेसिक जो बिज़नेस है वो फीड्स मिल्क और रॉ मटेरियल सप्लाई करना है। ज़बरदस्त, इसका मतलब आपको ज़्यादा नॉलेज होगा इसके हवाले से। नॉलेज है, हम भी चाहते हैं कि ये सनत जो जवाल की तरफ जा रही है वो तरक्की करे, और दूसरी पाकिस्तान की ये बड़ी सनत थी और जो तीन चार साल से मुसलसल ये पोजीशन इसकी डाउन हो रही है, हुकूमती पॉलिसी को भी हुकूमत को भी चाहिए कि इसके मुताबिक कुछ पॉलिसीज बनाए कि ये सनत जो जवाल पजीर हो रही है और फार्मर और फीड्स मिल वाले जो नुकसान कर रहे हैं और जो हैचरीज वाले हैं उनको उनके बिजनेस के लिए कोई अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करनी चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि हुकूमत को जो इकदाम करने चाहिए बेसिकली वो हकीकत में हो नहीं रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, जो हुकूमत को इकदाम करने चाहिए वो हो नहीं रहे, और जो इसकी पॉलिसी के इसके बारे में पॉलिसी जो रिव्यू करने की ज़रूरत है वो नहीं कर रही गवर्नमेंट। मतलब जो नारे लगाए गए थे तब्दीली के वो आई नहीं है जो हकीकत में आनी चाहिए थी। ये भी बात आपकी ठीक है, लेकिन ये तब्दीली से पहले भी जो गवर्नमेंट थी उसने भी इसके बारे में कोई इस सनद को प्रोवाइड सहूलियात प्रोवाइड नहीं की, और पहले भी यही जो है ना बस्ती की तरफ ही जा रही है ये सनद, और इतनी अच्छी अच्छी जो फीड्स मिल थी और ये दो फार्मर वगैरह थे वो लॉस करने के बाद अपने कारोबार से भी हट गए, और कितने लोग जो रोज़गार जिनका वो बस्ता था इस शोबे से वो भी बेरोज़गार हो गए। नहीं जी नाज़रीन, मुझे तो इन्फॉर्मेशन में बड़ा इजाफा हुआ इनके साथ बात करके, और आई होप सो के लोगों की इन्फॉर्मेशन में उनकी मालूमात में भी डेफिनेटली इजाफा हुआ होगा।